मन का, पर दुख कातरता का, संयम का, औदार्य का और सभी परिस्थितियां बदलने वाली फिर भी अबदल आत्मा का प्रकाश ये माँ के गोद में ही है। इसलिए अब मैं इसका पूजन करूंगा। पहले तो खाली प्रणाम करता था, अब मैं पूजन करूंगा। मैं अमेरिका गया, फिर वहां के लोग आने लगे, जमीन ली, आश्रम बना रहा है। आप देखने को हमें क्या नहीं, आश्रम बन रहा है, बन गया है, ओपनिंग के लिए आओ, मैं नहीं गया। ऐसा वैसा फिर एक बार सुरेश को भेज दिया। सुरेश जब लौट के आए तो मैंने कहा बहुत कुछ खो के आए, तो बोला अपने हाथ से ही भोजन करता था। मैं क्या फिर भी, तो बोले हाँ साई। मैंने देखा कि ऊपर से हाँ साई बोल रहा है, भीतर से कितना इसका सात्विकता और आध्यात्मिक बल क्षीण हुआ बेचारे को पता नहीं। 40 दिन इसको मैंने अलग से रखा साधना की जगह पर। बाद में सुरेश ने मुझे ईमानदारी से बताया सामने बैठे कि अभी पता चलता है, उस समय बापू ने कहा तो मैंने ऊपर ऊपर से हाँ बोला था, अभी पता चला कि मैं खो के आया था, वो पता ही नहीं चल रहा था। वहां के भोग प्रधान वाइब्रेशन है, आसुरी वृत्ति प्रधान, राजस और तामस प्रधान तरंगे। और मैं जब तीसरी बार गया तो उन तरंगों का शिकार मेरा मन बन रहा था, इसलिए मैंने कहा जल्दी टिकट करवाओ। बोले बापू जी सॉरी, कोई गलती हो गई। मैं कहा आपकी गलती नहीं, मेरे मन में अब हो रहा है कि डॉलर भी रखो, मनी इज हनी फॉर मी इन वाइब्रेशनों में और एयर कंडीशन के हवा में मेरे प्राण मन और वाइब्रेशन भी डाउन हो गए। फिर मैं हाथ जोड़ लिया नहीं जाऊंगा। तो वो आते रहे, आखिर में ये संदेश आ रहा है कि बापू जी एक परिवार है जो आपको खूब प्यार करता है, पति पत्नी है, संतान नहीं है, दोनों प्रैक्टिस करते हैं, 20-25 मिलियन की संपत्ति है, वो आपको अर्पण कर देंगे और आपके शिष्य हो जाएंगे। 20-25 मिलियन मतलब समझ लो लगभग 100 करोड़, 110.5 करोड़। मैं अंदर में गांठ बांध ली, अब तो कभी नहीं जाऊंगा। पैसे का आमंत्रण, इनके आमंत्रण पे कभी नहीं जाऊंगा। मैंने कहा अब तो मैं कभी नहीं आऊंगा। क्या 100 करोड़ आध्यात्मिकता के आगे 100 करोड़ की कोई कीमत होती है? हाय राम, 100-100 जन्म नेछावर हो जाए फिर भी अगर आध्यात्मिक रंग लगा है तो उसको घटने नहीं देना चाहिए। 2 बच्चे गए थे, आर्थिक स्थिति कमजोर थी, कमाने के लिए गए और कर्जा उतरे, उतने पैसे आ गए तो भाग के आ गए। मैंने कहा बच्चे बहादुर है, फिर तुरंत नारायण का नाम याद आया। मैं कहा मेरा बेटा नारायण भी बहादुर है, एक बार गया अब नहीं जाएगा फलानी फलानी जगह पर। बहादुर वो नहीं है कि विषय विकार और वाहवाही का गुलाम हो जाए, बहादुर वो है कि ईश्वरीय मार्ग में अड़चन आने वाले किसी भी प्रलोभन को ठोकर मारने की ताकत रखता है, वह बहादुर है। इसलिए मैं ये 2-3 दिन से बात पक्की करवा रहा हूं। क्या पता है? बोलो। आदर तथा अनादर, आदर तथा अनादर। आप भी पक्की कर लेना भैया, आदर तथा अनादर लिख लो। आदर तथा अनादर, वचन बुरे त्यों भले, वचन बुरे त्यों भले, निंदा स्तुति जगत की, निंदा स्तुति जगत की, धर जूते के तल्ले, धर जूते के तल्ले। अगर महान बनना है, सफल जीवन करना है तो आदर तथा अनादर, आदर लिखो तथा अनादर, वचन बुरे त्यों भले, वचन बुरे त्यों भले, लिख लिया। आदर तथा अनादर, वचन बुरे त्यों भले, स्तुति निंदा जगत की, स्तुति निंदा जगत की, खुशामत खोर स्तुति करके तुमसे गलत न करवा ले, स्तुति तत, स्तुति निंदा जगत की, अथवा कोई अखबारें ऐसा वैसा दबा कर तुम्हारी निंदा लिख दे, डरो मत, स्तुति निंदा जगत की, स्तुति निंदा जगत, धर जूते के तल्ले, धर जूते के तल्ले। गांधी जी की निंदा, कितने पिट्ठू लोग, अंग्रेज पिट्ठू, अंग्रेजों के पिट्ठू गांधी जी की कितनी निंदा करते थे फिर भी डटे रहे, और देशवासी गांधी जी की सराहना करते थे फिर भी अभिमान से कभी चूर नहीं हुए।
स्तुति करने वाले की सज्जनता है, भगवान की लीला है। निंदा करने वाले का अपना नजरिया है। न निंदा में सुकड़ो न स्तुति से फूलो। भगवान को सामने रखो, अपने लक्ष्य को सामने रखो। फिर से बोलता हूं, चेक कर लो बेटे। आदर तथा अनादर, आदर तथा अनादर, वचन बुरे त्यों भले। छत्तीसगढ़ में अपने भाषणों में बोलना, एमपी अपने भाषण में भी बोलना, बहादुर पैदा करना। वचन मैं एक व्यक्ति को नहीं लिखवा रहा हूं, इसके द्वारा लाखों लाखों लोगों तक पैगाम पहुंचा। मैं भी बड़ा चालाक हूं, जयराम जी की होने चालाक, स्याणा हूं मैं तो, अभी स्याणा बन गया हूं। आदर तथा अनादर, वचन बुरे त्यों भले, स्तुति निंदा जगत की। जिनको काम बनवाना होगा वो तो स्तुति कर लेंगे, खुशामद कर लेंगे, आप उनके प्रलोभन में नहीं आइए, सावधान रहिए। स्तुति निंदा जगत की, धर जूते के तले। आप तो अपना कर्तव्य करते जाओ, इससे आप स्तुति के योग्य रह जाएंगे। और स्तुति में फिसले तो स्तुति नहीं टिकेगी, निंदा से भिड़े तो निंदा बनी रहेगी, निंदनीय काम किए तो निंदा बनी रहेगी। लेकिन सत्य के लिए निंदा स्तुति को पैरों के तले दबा चुके तो सत्य आपके हृदय में जगमग 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 प्रकाशित होगा। नारायण नारायण नारायण। चलो अलाउंस सर, नारायण नारायण नारायण। श्री दिलीप सिंह, इनका भगवान हौसला बुलंद रखे। आप लोग संकल्प करो, हाँ भाजपा के साथ, हाँ जी देख लो। दिलीप सिंह प्रणाम कर रहे हैं आप, और आप भगवान को प्रार्थना करो कि इनके द्वारा घर वापसी के कार्य और भी हो, जो धर्मांतरित हो गए हैं उनको घर वापसी कार्यक्रम में ले आते। सुबह का भूला शाम घर आए तो भूला ना कहलाए। मैं वहीं आता हूं आपके नजदीक।